आप देख रहे हैं शेबाजार लाइव। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अभिजीत पॉल हैं, जय ठक्कर हैं और साथ ही गौरांग शाह हैं। एसजेएक्स निफ्टी आपके स्क्रीन पर 35 अंक नीचे 7960 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जय कौन से स्टॉक्स आपने पिक किए हैं जो कि इंटरडे के लिहाज से आपको ठीक लग रहे हैं? शौदीपाली, मुझे ऐसा लग रहा है एमएनएम फिनांस, जिसमें एक अच्छी डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुए डेली चार्ट्स पर, साथ ही साथ एक अच्छी एंडिंग डायगोनल पैटर्न भी फॉर्म हुए, जो एक क्लियरली दिखाता है कि इसमें से एक बाउंस देखने मिल सकता है ये स्टॉक में। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी एक 5 वेव डिक्लाइनिंग रहा है, तो आई थिंक ऑन द लोअर साइड 245 का एक स्टॉप लॉस लगाकर एमएनएम फिनांस में एक बाय पोजीशन या बाय पोजीशन क्रिएट करने की मेरी सलाह रही है। ऑन द अपसाइड 270 तक के टारगेट्स मुझे नजर आते हैं, तो ये बाय कर चल सकते हैं। सेकंड रहेगा जीएम फाइनेंशियल, जिसमें एक अच्छा फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला था विद गुड वॉल्यूम्स एंड बाय क्रॉसओवर इन मोमेंटम इंडिकेटर्स। 63.50 के स्टॉप लॉस के साथ जीएम फाइनेंशियल में बाय करने की सलाह है, 72 का टारगेट रहेगा। एक कंडीशनल सेल दीपाली में देना चाहूंगा अशोक लेलैंड पर, अगर वो 76 के लेवल्स ऑन द लोअर साइड अगर ब्रेक करता है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेक डाउन देखने मिलेगा। बिलो 76-70 तक फिसल सकता है ये स्टॉक, तो 76 के नीचे सेल करने की सलाह रहेगी, 78.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, बात करते हैं। संदीप मेरे सहयोगी मौजूद हैं, अब संदीप बताएं ब्रोकिंग हाउसेस रिकमेंडेशन कहां पर आई आज? शुक्रिया अजय, सबसे पहले नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर पर, उन्होंने गुजरात पिपाव की रिड्यूस रेटिंग बका रखी है, 110 रुपये का टारगेट दिया है। अदानी पोर्ट्स की रिड्यूस रेटिंग बका रखी है और 258 रुपये के टारगेट प्राइस दिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली कॉनकोर, यहाँ पे उनका जो बाय कॉल है वो मेंटेन्ड है 1585 के टारगेट के साथ। उनका ये कहना है कि नोटबंदी से छोटी अवधि में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वॉल्यूम्स है उसके ऊपर जरूर असर देखने को मिलेगा, और हाँ, जिस तरह से ट्रकों के जो यूटिलाइजेशन लेवल्स रिवाइव हुए हैं उससे जो रिसेंट मार्केट शेयर गेन था रेलवे का, उसमें कमी देखने को मिल सकती है, जिस वजह से कॉनकोर के जो वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान है वो शायद रिस्क पे हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कॉनकोर की बाय रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं और 1585 के आसपास के टारगेट्स हो जा रहे हैं। सीएलएसए की एक इंडस्ट्री स्ट्रेटजी रिपोर्ट आई है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हाँ, उनका ये कहना है कि जीएसटी काउंसिल ड्यूअल कंट्रोल का जो अहम मुद्दा उसे सुलझाने में नाकामयाब रही है। उनका ये कहना है कि हाँ, बजट सत्र में जीएसटी बिल पास हो सकता है और 1 जुलाई से शायद ये लागू होने की उम्मीद उनको नजर आती है। सिस्टम में उनका कहना है कि जो नए नोट आने की रफ्तार है उसमें स्थिरता देखने को मिली है, लेकिन हाँ, चुनाव से जुड़ी हुई जो गतिविधियां उसमें तेजी आई, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक एयरलाइन डेटा है शायद वो काफी मजबूत देखने को मिल सकता है। हो सकता है आज एयरलाइन स्टॉक्स में थोड़ी हलचल देखने को मिले, लेकिन उनका यह भी कहना है कि एलपीजी सब्सिडी को कर्व करने के लिए आईटी डेटा का इस्तेमाल कर सकता है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं शायद ओएमसी और जो बाकी अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डीवी स्लैब, जहां पे फ्राइडे को हमने बड़े कट्स आते हुए देखे थे, वहां पे एचएसबीसी की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने होल्ड रेटिंग तो बरकरार रखी है लेकिन जो टारगेट प्राइस उसे रिड्यूस किया है, 1233 से घटाकर 934 रुपये किया। उनका कहना है कि फोम 483 जो इनको इशू हुआ है उसके जो ऑब्जर्वेशन हैं वो काफ़ी सीरियस है, और हो सकता है कि शायद ये जो 483 है वो एक वार्निंग लेटर में भी तब्दील हो जाए। उनका ये कहना है कि जो जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका समाधान करने में काफ़ी समय लग सकता है, और अगर वार्निंग लेटर मिलता है कंपनी को, दिन की जो 10% सेल्स है उसमें जो हिट है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है डीवी स्लैब पे, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है यहाँ पे भी स्टीप कट किया है, 1205 रुपये से घटाकर 975 रुपये किया है। और इसके अलावा सिप्ला के ऊपर तीन ब्रोकर्स की कॉल आई है, एचएसबीसी ने बाय कॉल मेंटेन किया है, 603 के टारगेट दिए हैं। जेपी मॉर्गन ने अपना जो न्यूट्रल स्टैंस है उसे बरकरार रखा है, 550 तक के टारगेट वो सुझा रहे हैं। और रैलीगेयर की एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, 545 रुपये के टारगेट सुझाए हैं। आखिरी कॉल आया है जेपी मॉर्गन की ओर से, फिनिक्स मिल पर उन्होंने अपना जो ओवरवेट स्टैंस था उसे अब भी बरकरार रखा है, 440 तक के जोन से काउंटर टेस्ट कर सकता है, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। जी शुक्रिया आपका संदीप, तो ये ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स कुछ शेयर की हैं संदीप ने। लेकिन अभिजीत, ये ईएएल पर मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी, खबरों में भी था ये फ्राइडे को 1:1 बोनस का अनाउंसमेंट जल्द कंपनी करेगी और स्टॉक कंसिस्टेंट मूवर रहा भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल एक्सपर्ट्स तो काफ़ी बुलिश हैं शेयर पर, लेकिन टेक्निकली अभी नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं जो ये अप्रोच कर सकता है नियर टर्म में? दीपाली, सॉरी आई मिस्ड द नेम ऑफ द स्टॉक, कैन यू प्लीज रिपीट वन? ठीक है जय, आपके कमेंट्स क्या हैं ईएएल पर? EIL मुझे ऐसा लग रहा है दीपाली, जो हिसाब से एक क्लियरली हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्म कर रहा है और जो हिसाब से एक ओवरबॉट पोजीशन में ट्रेड कर रहा है विद अ हाईली नेगेटिव डाइवर्जेंस, दीपाली मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक में कभी भी एक नो सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। उसका प्रीवियस मंथली क्लोज अगर आप दीपाली देखो 2014 में, कहीं ना कहीं उस पर एक रेजिस्टेंस अभी नियर टर्म में है 331 के आसपास, अगर वो लेवल्स निकलते हैं दीपाली तो और तेजी देखने मिल सकती है, और एल्स आई फियर कि 331 ना निकाले तो यहाँ से एक नो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है। तो आई थिंक मेरी सलाह ये है कि जिसके पास ये स्टॉक है ऑलरेडी ये इस लेवल्स पर बुक कर सकते हैं, अगर 331 के लेवल्स निकलते हैं ऑन दी अपसाइड तो ये एक फ्रेश पोजीशंस बनाए इसमें, या तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है जो ये स्टॉक को फिर से 305 से लेके 293 तक लेके आ सकता है। अभिजीत, ये ADAG पैक के स्टॉक्स में क्या किया जाए?
Well, Rajat, most of the stocks are in a steep downtrend or chota mota short term bounce back dekhne ko milta hai once in a while. They're more of a trading bet right now. I think keeping in mind ke market ka, you know, stage jahan pe hai right now with 79, 7950 as a make or break for the Nifty. I think it's better to avoid jo erstwhile underperforming stocks hai. Agar bottom pick karna hai, agar bottom fish karna hai, I think it makes sense ki aap waise stocks ya sectors ko dekhiye which has outperformed in the recent past rather in than... In fact, Abhijit, aapko rokna chahenge. Is beech hamare sath phone line par Mr. Deven Choksi maujood hain, MD KR Choksi se. Mr. Choksi, good morning, welcome to Zee Business. Ye sabse pehle to aapse isi par reaction lena chahenge, jo statements aaye PM aur FM ki or se. PM ne kaha ki jo log share bazar se kamai karte hain, unko ek fair contribution karna chahiye nation mein through taxes. Wahin FM ki or se clarification zarur aayi hai, jisme unhone kaha hai ki किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं. आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं और क्या मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं? तो एक हमारा ऐसा मानना है कि आई थिंक पीएम ने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट के ऊपर आई थिंक उन्होंने एफआई की तरफ से जो मार्केट में पी नोट के द्वारा जो फंड लगते हैं उनके ऊपर जो टैक्स नहीं भरा जाता है उनके ऊपर आई थिंक उन्होंने एम्फसाइज करके बोलना जरूरी बनता था. मे बी आई थिंक ही मिस दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट एंड ही जनरलाइज दैट स्टेटमेंट. बट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई सुझाव है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर रैशनली देखे तो एक तरफ गवर्नमेंट एसटीटी कलेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो डेरिवेटिव मार्केट के जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है उसके ऊपर 15% वो बिजनेस के हिसाब से भी वो लोग क्लेम कर रहे हैं टैक्स का. तो मैं नहीं मानता हूँ कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर टैक्स का कोई आई थिंक कोई प्रस्ताव होना चाहिए, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी एडिक्वेटली कलेक्ट हो रहा है इंडिया के अंदर. मे बी दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेन फंड्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट की जहाँ पे आई थिंक दे आर नॉट पेइंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर दैट. मे बी ही हैज गिवन दिस जी. मिस्टर चौकसी, लेकिन भले ही एफएम की ओर से क्लेरिफिकेशन आया हो लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद टिल बजट जो वॉइसेस हैं टैक्सेस को लेकर वो जरूर रेज होंगी. क्या आपको किसी तरह की पॉसिबिलिटी लग रही है एसटीटी के साथ छेड़छाड़ करने की इस बार के बजट में? मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो एक नजरिया है देखने का वो आई थिंक अच्छा नजरिया है. वो मानते हैं कि टैक्स जो भी जगह पे लेना चाहिए वो सोर्स पे लेना चाहिए. एसटीटी इज अ टैक्स एट सोर्स, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ वेरी एफिशिएंट टैक्स. उसको कोई ज्यादा उसके अंदर बदलाव लाने की जरूरत नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक जो टैक्स असेसमेंट के लिए जाता है टैक्स ऑफिस उसके बाद वहाँ पे डिस्प्यूट्स के मामले ज्यादा आते हैं, वहाँ पे आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट करप्शन भी बढ़ते हैं. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं करेगी. एसटीटी रिमेन्स अ वेरी एफिशिएंट टैक्स. करीबन 14-15 हज़ार करोड़ का गवर्नमेंट का सालाना एसटीटी में से इनकम है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि गवर्नमेंट इसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव करेगी. जी, एक और क्वेश्चन मिस्टर चौकसी. हालांकि एफएम के बयान के आने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद आज मार्केट थोड़े से नर्वस हो, लेकिन अब से लेकर बजट तक क्या किसी भी तरह के टैक्सेस के इम्प्लीकेशन के मद्देनजर क्या मार्केट्स वॉलेटाइल या फिर नर्वस हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि एफएम के बयान आने के बाद जब स्थिति है एटलीस्ट इस फ्रंट पर वो स्टेबली रहेगी? मेरा मानना है कि ये जो बजट आएगा वो बजट आई थिंक मार्केट के लिए काफी चीयर अप करने के वाला रहेगा, क्योंकि ये बजट के अंदर दो जगह पे हम लोग एक ज्यादा बदलाव देखते हैं. तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का जो रिफॉर्म्स है वो डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स की एक उम्मीद रखी जा रही है, क्योंकि जो हिसाब से गवर्नमेंट ने IDFS 1 और यहाँ पे जो ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जो टैक्स का जो सुझाव रखा है जो अनअकाउंटेड इनकम के ऊपर विच वी कॉल इट IDFS 2, ये दोनों हिसाब से देखे तो गवर्नमेंट विल बी कलेक्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इन द करंट ईयर विच विल गिव देम अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मैनेजिंग द फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो. और जैसे सिस्टम में पैसे फंड आ गए, करीबन 15 लाख करोड़ सिस्टम के अंदर डिपॉजिट हो चुके हैं, तो दैट मनी इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर एज फार एज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म का बहुत बड़ा अवकाश है यहाँ पे. मे बी आई थिंक गवर्नमेंट मे गिव अ सिग्नल फॉर फेजिंग आउट पर्सनल इनकम टैक्स इवेंचुअली, तो ये एक बड़ा सिग्नल हमें देखने को मिलेगा. और दूसरा आई थिंक जो रेलवे बजट ये मेन बजट के अंदर कंबाइंड हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो स्पेंडिंग का ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ये बजट के अंदर काफी हद तक दिखेगा. और तो ये दो चीज के ऊपर बजट का व्यू बना रहेगा, तो मार्केट विल बी एक्चुअली अलाइव टू दिस टू बजट टू सिचुएशन विद द बजट. जी, शुक्रिया मिस्टर चौकसी बातचीत करने के लिए जी बिजनेस. मिस्टर चौकसी को आपने सुना जो मानते हैं कि एफएम के बयान के बाद क्लेरिफिकेशन आई है, मार्केट जो है वो स्टेबल रहेंगे, और ये जरूर कहा कि किसी भी तरह के एसटीटी के साथ कोई छेड़छाड़ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं.